अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाहजीस स्मार्ट एडवाइस। आज मैं आपको एस्कुलस हिपोकेस्टिनम के बारे में बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं। एस्कुलस को जो है हॉर्स चेस्टनट भी कहा जाता है। ये जो है ग्रेट हेमरॉइड रेमेडी है। इसमें बहुत से सिम्टम्स जो कि प्रोड्यूस करती है ये दवा ड्यू टू डीरेंज लीवर और रिफ्लक्स, जो कि हेमराइड्स की वजह से होते हैं। इस दवाई का जो एक्शन है वो लोअर बॉयल्स पर होता है, बैकेक, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा ब्लीडिंग पर होता है, जो ब्लीडिंग जो है वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसमें वेरिकॉस वेन्स हैं ऑफ पर्पल कलर, और ये रेमेडी जो है पेल्विस प्रॉब्लम्स के लिए, हिप्स, सैक्रोइलियक और जॉइंट एंड सैक्रम प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डीजेनरेटिव हिप डिजीज़ के लिए भी और अर्थराइटिस ऑफ हिप्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये दवा जो है वो पाइल्स में बहुत मुफीद है, और पाइल्स में जब पेन होता है, रेक्टम में बैकएक होती है, जैसे कि रेक्टम में कोई शीशे नुमा चीज़ जो है वो चुभ रही हो, तो वो उसके लिए भी काफ़ी मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग है, तो एस्कुलस क्यू पावर में दी जाए 10 drops 3 times a day, एक वीक तक दी जाए, तो उससे वो चीज़ क्योर हो जाती है। इसके अलावा फ्लाइंग पेन है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पेन, और जो है इसमें उस सूरत में जो है आप 10 drops देंगे 3 times a day एस्कुलस क्यू के। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है लेग्स की तरफ, और स्लो होने की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उस सूरत में 10 drops 3 times a day दिए जाएंगे। इसके अलावा वेरिकॉस वेन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्पल कलर की वेन्स नज़र आती हैं किसी बॉडी पार्ट में, तो उस सूरत में भी 10 drops 3 times a day ही दिए जाते हैं। इसके अलावा बैक पेन है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है बैक पेन हो रहा है, और या लिकोरिया है, तो उस सूरत में भी एस्कुलस क्यू जो है वो 10 drops 3 times daily दिए जाएं कुछ दिनों तक, तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। डिप्रेस्ड माइंड है, जैसे कि लूज टेम्पर है, मगर अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल होता है उस जो पेशेंट है उसका, तो उस सूरत में भी एस्कुलस क्यू ही दी जाती है 10 drops 3 times a day, ठीक है। और इसके अलावा वर्टिगो है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, चलने से आते हैं जो चक्कर, पेशेंट जो है चल रहा है और उसको चलते चलते में चक्कर आ रहे हैं, तो उस सूरत में भी एस्कुलस क्यू जो है 10 drops दिए जाएँ 3 times a day 15 days तक। अब आइज हैं, उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा वाटरी आइज़ हैं, तो उस सूरत में भी 10 drops 3 times a day दिए जाएं 10 days तक। इसके अलावा लेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस जो है वो लिवर प्रॉब्लम की वजह से है, तो 10 drops दिए जाएं 3 times a day। और ड्राई स्टूल्स हैं, लार्ज हैं, हार्ड ड्राई स्टूल्स हैं, और उनको मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी से पास होते हैं स्कूल, तो उस सूरत में भी ये दी जाती है दवा। और लम्बैगो सैक्रेलम प्रॉब्लम है स्पाइन की, तो उस सूरत में भी ये एस्कुलस क्यू ही दी जाती है 10 drops 3 times a day। अब इरिटेशन ड्यू टू वॉर्म्स हैं, कोई इरिटेशन हो रही है एब्डोमिनल जो कि वॉर्म्स की वजह से है, तो उसमें भी एस्कुलस क्यू ही दी जाती है 10 drops 3 times a day 10 days तक दी जाए, या जैसे सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट के उसके मुताबिक फिर दी जाए।
प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो आ जाता है, जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसमें प्रोस्टेट फ्लूइड भी साथ में आता है, तो उस सूरत में भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली दिए जाएं। अब देखते हैं कि एस्कुलस के साथ कौन कौन सी दवाइयां ऐसे कंपेयर की जा सकती हैं। एस्कुलस के साथ एस्कुलस ग्लैबरा कंपेयर की जाती है, एलोज है, कॉलिनसोनिया है, मर्क है और नक्स वामिका है, इसके अलावा पोडो है और सल्फर है। जैसे पेशेंट के सिम्टम होंगे उसी के मुताबिक फिर ये दवा दी जाएगी। इसके अलावा फाइटो है, अगर थ्रोट सिम्टम भी आ रहे हैं, ड्राई थ्रोट है, और ज़्यादातर ये एक्यूट केसेस में दी जाती है फाइटो। एलोज है, कॉलिनसोनिया है, नक्स वामिका है, सल्फर है, पल्स है, आर्जिन है, ये जो है पेन है, सैक्रोइलियक जॉइंट्स और बोन्स जो हैं वो ढीली ढीली फील हो रही हैं, तो उस सूरत में आर्ज नाइट्रिक दी जाती है। काली बाई दी जाती है थ्रोट प्रॉब्लम के लिए, और स्टिंजी म्यूकस उसमें नहीं होता मगर होता थ्रोट प्रॉब्लम है, तो उसमें काली बाई भी कंपेयर की जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको एस्कुलस के बारे में बताया और उसकी डिटेल्स बताई कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयाँ कंपेयर की जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।